नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तित होता रहता है। बदलते हुए मौसम के साथ साथ जलवायु में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जलवायु में बदलाव के कारण हमारे खेत खलिहान हमसे कुछ विशेष सामयिक कार्यों की मांग करते हैं और ऐसे ही सामयिक कार्यों से सजा सवरा रहता है हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज के अंक के माध्यम से हम जानेंगे कि पपीते की खेती में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं, साथ ही साथ पशुपालन में नस्ल सुधार के क्या लाभ हैं, यही आज आपको बताएंगे हमारे वैज्ञानिक। तो चलिए देखते हैं आज का अंक, और अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी, रबी फूलगोभी की नर्सरी तैयार करें, सोयाबीन के बीजों का भंडारण, टमाटर की पौधशाला बनाने की जानकारी और पशुओं में मूत्र में खून आने की समस्या। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में धान एवं मोटा अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि संभागवार तय की गई है। खरीदी के संबंध में जिला कलेक्टर्स को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में मोटा अनाज की खरीदी 26 अक्टूबर से अगली 15 जनवरी 2016 तक की जाएगी। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग में मोटे अनाज की खरीदी 2 नवंबर से 25 जनवरी तक की जाएगी। मोटे अनाज में इन संभागों में ज्वार, मक्का और बाजरा की खरीदी होगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 2 नवंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। आप फूलगोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो शीघ्र पौधों की रोपाई करें या अगेती प्रजातियां जैसे पूसा, दीपाली, अरली कुंवारी, अरली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, अरली पूसा कार्तिकी, पूसा सिंथेटिक में से किसी एक प्रजाति का चुनाव करें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करने के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें तथा गोबर की सड़ी खाद डालकर खेत में मिलाने के लिए जुताई करें। बीज बोने के बाद 3/4 भाग गोबर की सड़ी खाद तथा 1/4 भाग मिट्टी मिलाकर ढक दें। सोयाबीन बीज भंडारण करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बीज को सबसे पहले साफ करें एवं कटे व टूटे दाने व बीमार दानों को अलग कर लें। फिर बीज को अच्छी तरह से सुखाएं। बीज को सुखाने के बाद उसको ठंडा करके फफूंदनाशक कार्बेडाइजम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित करें। इससे बीज को फफूंदी जनित रोगों से बचाया जा सकता है। फिर बीज को सूखे स्थान पर भंडारण करें। ध्यान रहे, अगर पुराने बोरों से भंडारण कर रहे हैं तो उनको भी उपचारित करना ना भूलें। इनको उपचारित करने के लिए क्लोरोपाइरीफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें डुबोकर रखें। फिर अच्छे से सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करें। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अगले माह रोपाई करने हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतशील किस्में जैसे पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, काशी अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा शीतल हैं। संकर किस्में नवीन, वैशाली, रूपाली, सोनाली में से किसी एक किस्म की पौधशाला में बुआई करें। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव एवं रोग रहित फसल के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। नर्सरी में रोग रहित पौध की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठाकर बनाना चाहिए। जानवरों में खून का मूत्र में आना एक बीमारी के कारण होता है। यह बीमारी भी सभी जानवरों में होती है, जिनमें मक्खी के काटने के अलावा छिछलों के कारण भी यह रोग हो सकता है। अतः इसका विशेष कर निदान है कि प्रोजोमीन इंजेक्शन यानी प्रोजोमीन सुई 1 मिलीलीटर 10 किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से पशु को लगाने से निदान हो जाता है। यह सुई मांसपेशी में गहरी लगानी चाहिए। गाय भैंस 15 मिलीलीटर, भेड़ बकरी में 2 मिलीलीटर सुई लगाने से जानवर ठीक हो जाता है। अपने बाड़े को साफ रखना चाहिए। जानवरों को चीचड़ों से बचाना, जानवरों को मक्खी से बचाना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, पपीता एक ऐसा फल है जो कि सेहत की दृष्टि से रामबाण माना जाता है। इसके इसी गुण के कारण बाजार में पपीते की मांग बनी रहती है वर्ष भर। पपीते की खेती में यदि समय रहते कुछ विशेष सामयिक कार्य कर लिए जाएं, तो ये निश्चित तौर पर लाभ का सौदा साबित हो सकता है। पपीते की खेती में सामयिक कार्य कैसे करें, यही जानने का विषय आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार पटेल, प्रभारी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से। जो कृषि फसल उत्पादकता है वो कम है तुलनात्मक हमारे उद्यान की फसलों की, क्योंकि उद्यान की फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा विकल्प हम यहाँ पे पपीता की खेती को प्लान करें। पपीता की अगर आप बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्र जो उत्पादन है, जो लाभ है, हमारी कृषि फसलों की तुलना में 3-5 गुना तक ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, पपीता की खेती में ध्यान देना है कि जब इसका हम बीज रोपण से पौधा लगाने तक की बात हम करें यहाँ पे, कि बीज को अच्छी प्रजाति का बीज लें, क्योंकि पपीता में दो प्रकार के पौधे होते हैं मुख्यतः। एक हमारा नर पौधा होता है, एक मादा पौधा होता है। कुछ अनुसंधान ऐसे हुए हैं जहाँ पे वैज्ञानिकों ने काम किया और एक ही पौधे पे नर और मादा दोनों को डाल दिया है। कई बार किसान भाइयों के सवाल होते हैं कि हमारे पौधे में हमने बीज खरीदा, पौधा लगाया, उसमें 10 पौधों में फल आए, 4 पौधों में फल नहीं आ रहे हैं, तो वो पौधे नर हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम पपीता की खेती के लिए बीज का चुनाव करें तो जो अच्छी प्रजातियाँ हैं, संकर प्रजातियाँ हैं, उनका बीज लें जिसमें दोनों प्रकार के फल एक ही पौधे में आए। ऐसी किस्मों का चयन करें, ऐसी बहुत सारी संकर प्रजातियाँ बाजार पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं पौधे जिसमें 100% पौधों में फूल है, कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें फूल ना आए, सभी में फूल आता है। तो पहली बात तो हम बीज का चयन में ध्यान दें। दूसरी बात, जब इसका हम बीज को लगाएं, नर्सरी प्रबंधन करें, जब बीज को उगाएं पौधशाला में, तो पौधशाला का अच्छा प्रबंधन हो, वहाँ पे बीज को उगाएं। उगाने के बाद जब इसको लगाएं तो पहली बात इसको 2x2 मीटर पे, 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 2 मीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी में इस पपीते के पौधे को लगाना है। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं अगर 2 मीटर में भी हम लगाते हैं तो कोई भी हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इससे खाली दिखाई दे, पूरा क्षेत्र हमारा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं स्पेस नहीं, कहीं जगह नहीं है। तो ये कह सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान समय में किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं आपसे बात करूँ कीट प्रबंधन की यहाँ पे, तो ये एक पत्ती आप देख सकते हैं इसकी पूरी पत्तियाँ कीड़े ने खा लिया, एक किल्ली है जो इसकी पूरी पत्ती खा गई है। हमें ध्यान देना है अगर पत्तियाँ कम हो गई, पत्तियाँ नहीं बची, तो ये पत्ती सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणों को लेकर भोजन नहीं बना पाएगी। जब भोजन नहीं मिलेगा पौधे को तो पौधा कमजोर होगा, उत्पादन हमारा कम हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम किसी न किसी कीटनाशक का जो बाजार में उपलब्ध है, क्विनालफास है, प्रोपेनोफास 50 cc है, ट्राइजोफास 40 cc है, ऐसी कीटनाशकों का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं ताकि ये कीड़ा
प्रबंधन रहे। दूसरा, इसमें एक कीट के साथ साथ एक गंभीर समस्या किसान भाइयों जो आती है वो होती है रोग की। रोग इसमें दो प्रकार के लगते हैं, एक तो वो रोग लगते हैं जिससे पत्तियां पूरी पूरी सिकुड़ जाती हैं, जिसे विषाणु जनित रोग बोलते हैं। कुछ हद तक आप देखें तो इस पत्ती में इसकी पूरी पूरी पत्तियां सिकुड़ चुकी हैं। अगर इस पत्ती की तुलना इस पत्ती से हम करें, यहाँ पे आप देखें तो इस पत्ती का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस पत्ती का क्षेत्रफल कम हो गया। क्षेत्रफल कम होने से कम जगह मिलेगी जहाँ पे पौधा भोजन बना पाएगा, भोजन कम बनेगा, सीधा सीधा उत्पादन प्रभावित होगा। ऐसी रोग की रोकथाम के लिए हम किसी न किसी अंतः प्रभावी कीटनाशक का सर्वप्रथम कि जो पौधा इससे ग्रसित है उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर दें। दूसरा, दूसरे पौधों को इस रोग से बचाने के लिए हम इमिडाक्लोरोपीड 50 से 60 ml मात्रा एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, इसका स्प्रे करें। दूसरी बात करें, यहाँ पे एक रोग और कई बार देखने को आता है, अगर आप किसान भाई इसको देखें, इसमें पत्ती पीली हो गई है। अगर आप देखें तो पत्तियाँ पीली हैं, ये भी विषाणु जनित रोग है, दोनों विषाणु जनित रोग हैं। इसमें भी क्या होता, पत्ती खुली है लेकिन पीलापन है। अगर पीलापन है, हरापन नहीं होगा, तो सूरज की किरणों को पकड़ नहीं पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा, सीधा सीधा उत्पादन प्रभावित होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि इसको भी रोकथाम के लिए किसी न किसी अंतः प्रभावी कीटनाशक का, लेकिन दवा डालने से पूर्व जो पौधा इस रोग से ग्रसित है उसको उखाड़ के नष्ट करें। ये बदलाव क्या है भैया, ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, पशुधन का हमारी खेती में एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। पशुधन के बिना खेती एक पंगू सी महसूस होती है। पशुपालन के क्षेत्र में यदि हम उच्च गुणवत्ता युक्त पशुधन का प्रयोग करेंगे तो उससे जहां एक और अच्छा पशु कार्य हमें मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी क्रांति लाई जा सकती है। पशुपालन के क्षेत्र में उच्च नस्ल के पशुओं से क्या लाभ लिया जा सकता है, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस आर पटेल। किसान भाइयों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे उन्नत पशु प्रजनन की, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि कम पशुओं में अधिक दुग्ध उत्पादन। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि ऐसी नस्ल हमारे पास हो पशुओं की जिसमें कि अधिक से अधिक जो गाय है वो दुग्ध उत्पादन कर सके। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पशुधन है वो ऐसे हैं जो संख्या बल में तो ज़्यादा हैं लेकिन उसमें दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। जैसा कि बुंदेलखंड या जो राजगढ़ का इलाका है और डिंडोरी है या झाबुआ है, जो जंगली इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर ऐसे जो पशु हैं जो आवर्णित नस्ल हमारी गायें हैं उनमें बहुत ही कम दुग्ध उत्पादन होता है। यहाँ तक कि किसी में एक छटा क्या एक पाव कहना चाहिए, आधा किलो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर कहीं ऐसे पशुओं का हम उपयोग ऐसे पशु उत्पादन में कर सकते हैं जिसमें जिनका उत्पादन आगे चलकर अधिक हो जाता है तो हमारे जो दूध की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है।
तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जैसे हमारे पशुधन विभाग की जो पशुपालन विभाग की जो कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यक्रम चल रहा है तो उसका उपयोग कर हम उन्नत नस्ल के अधिक दूध देने वाली गायें जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं उसको उसके पास आपको अपने जो मादा पशु है जब वो ऋतु में रहती है हीट में रहती है तो उस समय ले जाना होगा, और या फिर हमारा जो मोबाइल यूनिट्स आजकल हर संस्था में उपलब्ध हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं आपके घर द्वार जाकर और घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान सेवा जो है उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही अभी जो शासन मध्य प्रदेश शासन पशुधन पालन विभाग है उसने AI प्राइवेट प्रैक्टिसनर जो हमारे गौसेवक थे उनको भी 6 महीने का अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर 4 महीने का कहीं 6 महीने का वो उनको तैयार किया है, और वो भी आपके यहाँ कुछ शुल्क लेकर कृत्रिम गर्भाधान की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ जो डेयरी के जो जहाँ दुग्ध संकलन होता है वहाँ भी जो सोसाइटी होती हैं वहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें भी कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया है। तो इन संस्थाओं पर भी आप अगर कहीं ये सूचना देते हैं कि आपका जो पशु है उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो वो आपके यहाँ सशुल्क जाकर कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है किसान भाइयों कि हम कौन से पशु का चयन करें जिससे कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो सके। चूँकि हमारे जो जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया यहाँ जो आवरणित हमारी जो गायें हैं उनकी जो आकार है बहुत छोटा है, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनमें जो जर्सी जो नस्ल है आजकल बहुत प्रचलन में है और हर कोई किसान भाई जानता है जर्सी शब्द, तो उसमें आप जर्सी नस्ल का अगर वीर डलवाएंगे और उससे जो संतति होगी और अगर बछिया हो जाती है तो जो उसकी माँ है जो आधा लीटर तक दूध देती थी तो निश्चित रूप से वो जो बछिया जब माँ बनेगी तो वो 5 से 7 लीटर तक दूध दे जाती है। इसके अलावा अगर कहीं ऐसे इलाके जहाँ की सफ़ेद रंग की या लाल रंग की जो वर्णित नस्ल के वो पशु हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनसे अधिक दूध देने वाली आपको गाय चाहिए तो उसमें आप जो हॉस्टन फ्रीजियन जो चितकबरी गाय आप हमारे चित्र में देख रहे हैं कि उसमें जो पीछे बंधी हुई हैं उसमें चितकबरी जो गाय हैं वो हॉस्टन फ्रीजियन नस्ल की गाय हैं, तो इनका जो हॉस्टन फ्रीजियन के वीर से अगर कहीं आप अपनी गाय को गाभिन करवाते हैं तो उससे जो संकर नस्ल की बछिया पैदा होगी और जब गाय बनेगी तो निश्चित तौर पर वो 10 से 15 लीटर तक दूध दे जाती है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर कहीं आपके यहाँ 5 देसी जानवर हैं और अगर एक भी संकर नस्ल की गाय चाहे वो HF हो या जर्सी है वो पैदा हो जाती है और उससे आप दूध देने लगते हैं तो आपकी जो दूध की समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी और उससे आप कुछ जो दूध की मात्रा है उसको बेचकर अपना जो अतिरिक्त आय ले सकते हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँ कि जो हमारे ग्रामीण इलाके में जो बेरोजगार जो बालक हैं शिक्षित बेरोजगार अगर वो 2-4-5 ऐसे पशु रख लेते हैं तो एक दिन की आय 500 से 1000 रुपये तक आप पा सकते हैं, क्योंकि जो गाय का दूध भी है वो भी 30 रुपये से लेकर ऊपर तक बिक जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप संकर पशु प्रजनन कार्यक्रम अपनाते हैं तो उससे आपकी खुद की समस्या और प्रदेश की समस्या और देश में जो दूध की कमी की समस्या है वो पूरी की जा सकती है। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी, चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना, हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने, हर शुक्रवार रात 9:30 बजे DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा आज का अंक जरूर पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।